नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। खीर के भोग से आएंगी खुशियां, मेवे के भोग से पूरी होगी मनोकामना, केले के भोग से दूर होंगे कष्ट, लड्डू के भोग से खुल जाएगी किस्मत, भगवान भोग और भविष्य, देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपकी अपनी मनोकामना पूरी करने और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए किस समय, किस मुहूर्त में किन देवी देवताओं को क्या कुछ भोग लगाना होगा और उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। धन प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को क्या चढ़ाएं, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान को क्या भोग लगाएं, कष्टों से मुक्ति के लिए किस विधि से भोग लगाएं और भोग लगाते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये भी आज कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कीजिए, हमारा नंबर नोट करें 01206652411। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी अहम चर्चा की शुरुआत। देवी देवताओं को हम सभी भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खास परेशानी है या कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो किस देवता को क्या भोग लगाना चाहिए, भोग किस दिन और किस मुहूर्त में लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, भोग हर सुबह हर कोई प्रातःकाल भगवान अपने देवी देवताओं को लगाता है, लेकिन क्या सही विधि होनी चाहिए, किस मुहूर्त में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखो, सही प्रश्न है आपका पूजा। जो हमारे यहाँ पूजा पद्धति है जिसको कर्मकांड कहते हैं जी, शास्त्रों में उसके लिए हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं। कब देवताओं की पूजा होनी चाहिए, कब पितरों की पूजा होनी चाहिए, कौन सा भोग किस देवता को लगाना चाहिए, कौन सा भोग किस देवता को नहीं लगाना चाहिए, कौन सा फूल किस देवता को चढ़ाना चाहिए, कौन सा फूल किस देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये तमाम बातें सनातन धर्म में हैं और इसके पीछे अपना लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे अंधेर नगरी धर्मधूषण राजा जिसने जो लिख दिया वो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से चाहे पंचोपचार पूजन हो, चाहे षोडशोपचार पूजन हो, चाहे राजोपचार पूजन हो, सब में भोग तो आवश्यक है। भोग माने प्रसाद जी, जो देवताओं के लिए नैवेद्य निवेदित किया जाता है वो, मतलब कि आप नैवेद्य की बात जहाँ तक है, गांव में जब हम बचपन में थे सत्यनारायण की पूजा होती थी तो गांव में भैया न फल होता था न मिठाइयाँ होती थी, तो वहाँ गुड़ और दही दोनों चीज़ों को एक आम के पत्ते पर रख करके और नवग्रह को गौरी गणेश को भोग लगा दिया जाता था जी। उस समय हम लोग बचपन में मंत्र पढ़ते थे, सर्करा खाद्य खाद्यानी दधिशीरंघृताण च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम, यही भोग लगा देते थे। लेकिन अब समय बदला है, जमाना बदला है, अब पूजा के पहले मिठाइयाँ भी उपलब्ध हैं, फल भी उपलब्ध है, सूखे मेवे उपलब्ध हैं, काजू किशमिश बादाम मिश्री ये सब मतलब कि फल उपलब्ध हैं। तो जैसे जैसे हमारा मतलब कि जो है वो संपन्नता और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे देवी देवताओं की पूजा में भी थोड़ी वरिष्ठता आ रही है जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर किसी की कुंडली में चंद्रग्रह कमज़ोर है, वो पापक ग्रहों के बीच में है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है, या शादी में दिक्कत आ रही है, या जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान शिव को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को भांग और पंचामृत का भोग पसंद है। अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए दूध दही शहद शक्कर घी और जल से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, कपड़े अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन में
भगवान शिव को पंचामृत, गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगाना चाहिए। आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च नहीं रुक रहा है, तो शुक्ल पक्ष पर अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शिव मंदिर में केले के पत्ते पर पके चावल और दही का नैवेद्य बना करके भोग लगाना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षवंशिष्णुद्योगसंवर्तदभ्याम भूमिर्दिशास्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद 5 बार जल जरूर गिराना चाहिए, 5 आचमनी जल जरूर गिराना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार जल जरूर गिराना चाहिए, आचमन जरूर करना चाहिए। और अगर आपके घर में चांदी की गिलास है तो छोटी सी चांदी की गिलास में शुद्ध जल भर कर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान के लिए पानी रख देना चाहिए, और वो पानी कुछ देर के बाद आप स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो पानी अमृत बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि आज दिन है मंगलवार, हनुमान जी का दिन। जी हाँ, अब हनुमान जी को किस तरह का भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, और जो भोग हम लगा रहे हैं वो किस समय लगाएं जो ज्यादा सरदार हो, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आज का तो दिन भी शुभ, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, कैसे करें? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजमनुकृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भैया, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जहाँ भी इनके भक्त बुलाते हैं श्रद्धा पूर्वक विपत्ति में फंसने पर, जो भी व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के उसकी मदद करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरे शरीर के रोएं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सच बात मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी बालक के रूप में, युवक के रूप में, वृद्ध के रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन्हें विपत्तियों से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। विपत्ति में जब कोई भक्त हनुमान को याद करता है तो तक्षण हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के उसका कल्याण करते हैं। अगर आप भी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं और आप बेगुनाह हैं, आप फंसाए गए हैं, या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा मांगलिक दोष है जिसके कारण आपकी गृहस्थी नहीं बस पा रही है, आपकी शादी में रुकावट आ रही है, शादी के बाद वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है, तो भैया आपको हनुमान जी की अच्छे से उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना के क्रम में आपको हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू, डंठल वाला पान और केसर, ये सब चीज़ें हनुमान जी को पसंद हैं। हनुमान जी को इमरती का भोग भी पसंद है, लेकिन चाहे जितना भोग लगा दीजिएगा, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डालिएगा, तब तक हनुमान जी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए सामग्री कुछ कम भी हो तो चलेगा, लेकिन तुलसी का पत्ता ले आना मत भूलिएगा। हर तरह के संकट से मुक्ति पाने के लिए 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाकर नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य का मतलब जो आपके पास उपलब्ध हो, भोग सामग्री। कोई काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई पेड़े का भोग लगाता है, कोई बर्फी का भोग लगाता है, कोई मालपुए का भोग लगाता है, कोई हलवा का भोग लगाता है, कोई हलवा पूड़ी का भोग लगाता है,
सारे मिठाई वाले नमक को छोड़ करके सारे मिठाई वाले भोग फल ये सब आप हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा है और आप मकान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या प्रॉपर्टी कोई आपने ली है लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही है, कोई कानूनी उसमें डिस्प्यूट आ गया है, आपका पैसा फंस रहा है, तो मंगलवार को 800 ग्राम साबुत चना और 125 ग्राम गुड़ का हनुमान जी को भोग लगाइए। चने को भिगो दीजिए और उसके साथ गुड़ रख करके भोग लगा दीजिए, और भोग लगाने के बाद ये प्रसाद हो सके तो छोटे बच्चों में या बंदरों में जरूर बांटिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से आकाश हैं फोन लाइन पर। आकाश जी सवाल पूछिए। आप पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मैं पटना से बोल रहा हूँ, आकाश नाम है पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1972 सुबह जी। में 4:30 बजे जी। और जन्म स्थान है मिहिजाम जी। जी मेरा प्रश्न है पंडित जी कि अभी मैं थोड़ा सा नौकरी में परेशानी हो रही है, मेरी नौकरी छूट गई है, दूसरी नौकरी मिल नहीं रही है। ऐसा है आकाश बाबू, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके दशम भाव का स्वामी शनि और लग्न का स्वामी मंगल, ये दोनों की स्थिति पंचम नवम है। अब आप 51 साल के हो गए हैं, आप चिंता मत करिए, 5 मई के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। बस आपको एक उपाय बताता हूँ, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आज मंगलवार है, आज 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और किसी हनुमान मंदिर में जा करके घी का दिया जला करके लड्डू का भोग लगाइए, हो सके तो केले भी चढ़ाइए। केले और लड्डू का भोग चढ़ाने से और उसे घर में प्रसाद के रूप में लाकर बांटने से निस्संदेह आपकी नौकरी 5 मई 2023 से लेकर 25 जून 2023 के बीच में लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आप 51 साल के हो गए हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए उचित नहीं है। अब जहाँ नौकरी लग जाए वहाँ मन लगा करके नौकरी करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पर आकाश भैया, अभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, अब आपके पास वक्त बहुत कम बचा है, अब अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो इसके लिए आपको एक मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप लगातार 3 साल तक करेंगे तो फिर ज़िंदगी में कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, एक बार फिर से आपके लिए कह रहा हूँ। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी जी की पूजा करके इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप नित्य प्रातः काल करना शुरू करेंगे, भगवती महालक्ष्मी को अपने हृदय में धारण करेंगे, तो निःसंदेह जीवन में कभी आपको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से सुमन है फोन लाइन पर। सुमन जी सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमन जी, जोर से बोलिए अगर जवाब चाहिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी, मेरा बेटा हुआ है 26 जनवरी 2023 को जी 7:52 से जी। तो मैं ये पूछ रही थी उसका नाम किस अक्षर पे रखा जाए अच्छा होगा उसका भविष्य। कब पैदा हुआ है आपका बेटा? 26 जनवरी। हेलो 26 जनवरी 2023। कितने बजे पैदा हुआ है? 7:52 से। सुबह जी नहीं शाम को। कहाँ पैदा हुआ है? दिल्ली में ही 7:52। चलो इसका नाम जो है न अक्षर से निकलता है, न अक्षर पे कोई नाम ढूंढ लो अच्छा सा जो तुम्हें पसंद हो वही नाम इसका रख दो। इसकी वृश्चिक राशि है
और ठीक है, शुक्र की महादशा चल रही है, दशा बहुत अच्छी चल रही है और ये 20 साल की दशा बहुत अच्छी है। 20 साल तक इस बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा नीच राशि का छठे भाव में है, इसलिए सर्दी जुकाम से बार बार पीड़ित होगा। सर्दी जुकाम से बचाने के लिए इसको मतलब कि जो है ध्यान रखना चाहिए, ठंड से बचाने के लिए ध्यान रखना चाहिए और आप अपना दूध नहा करके इसे बिल्कुल ना पिलाएं। जब आपका शरीर गर्म रहे तभी इसको दूध पिलाएं, ठंडे शरीर से दूध ना पिलाएं वरना निमोनिया और शीत संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ेगी। नाम न से शुरू करके कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इस बीच कालचक्र दर्शक राजा हमारे साथ हैं पटना से फोन लाइन पर, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं पटना से राजा बोल रहा हूँ। कहाँ से पंडित जी? पटना से। अच्छा बोलिए पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे बच्चे का जन्म है 15 सितंबर 2013 शाम 8:30 बजे। उसका भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ने में थोड़ा उसको मन नहीं लग पाता है। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि और इससे पंचम भाव का स्वामी बुध, शनि और बुध की तृतीय एकादश स्थिति है और बृहस्पति के साथ तीर्थसाल है। भले अभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, 10 साल का है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये पढ़ाई करेगा। बस आपको करना ये है कि इसको सिखाना है हनुमान चालीसा का पाठ। अगर ये रोज़ नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो पढ़ाई में भी अच्छा होगा और इसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसे आगे चल करके तकनीकी शिक्षा दीजिएगा, टेक्निकल पढ़ाई कराइएगा, बीटेक कराइएगा, डिप्लोमा कराइएगा। ये सब पढ़ाइयाँ अगर आप कराएंगे तो इसका जीवन बहुत ही सफल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के भोग की। पंडित सुरेश पांडे जी आज हमें बता रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं को शुभ समय में उनका पसंदीदा भोग लगाकर हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान गणेश की। जी हाँ, सभी को पता है कि मोदक और लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं, लेकिन इनका भोग किस समय उन्हें लगाना चाहिए और ये भोग लगाने से कौन कौन सी परेशानियां दूर होती है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, गणेश भगवान को प्रसन्न करना है, भोग लगाएं, किस वक्त लगाएं, कैसे लगाएं, बताइए। ओम गणानांत्वा गणपतिं गवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनांत्वा निधिपतिं गवामहे, वशो मम अहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बुद्ध, ज्ञान, रिद्धि, सिद्धि और सूझबूझ के देवता कौन है? भगवान गणेश। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में बिना भगवान गणेश और बिना दुर्गा की पूजा के कोई भी पूजा साकार नहीं होती है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में सबसे पहले चंडी और विनायक की पूजा होती है। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि मोदक और लड्डू तो एक ही चीज़ होता है, सही है, लेकिन मोदक एक प्रकार की मिठाई जो प्रायः महाराष्ट्र में बनती है, महाराष्ट्र में उसको मोदक के नाम से जाना जाता है, वो लड्डू का ही स्वरूप है। और ये मोतीचूर का लड्डू जिसमें छोटे छोटे बेसन के दाने बना करके और उसे मतलब चीनी में बना करके और उसका मोतीचूर का लड्डू नाम है। कर्ज से मुक्ति के लिए हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाना चाहिए। कारोबार में अगर लगातार घाटा हो रहा है तो कार्य क्षेत्र में श्वेतार्क गणपति की स्थापना करनी चाहिए। ये श्वेतार्क गणपति क्या है जानते हैं? सफ़ेद मंदार जो होता है, श्वेतार्क गणपति मतलब सफ़ेद मंदार जो होता है, वो जब 5 साल का हो जाता है तो अगर उसको खोदा जाए, उसकी जड़ को खोदा जाए तो उसमें गणेश जी का चित्र पूरा एकदम स्पष्ट निकलता है और उसको फिर काट छांट करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर और तेल का लेप करके अगर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लिया जाए तो ये
श्वेतार के गणेश हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। बहुत से घरों में हमने देखा है जहाँ श्वेतार के गणेश की स्थापना हुई है, उन्हें चांदी के सिंहासन पर बैठाया गया है और विधिवत नित्य पूजा उपासना होती है और उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास भी है। लेकिन 5 साल पुराना जो श्वेतार का पेड़ होगा उसी की खुदाई में गणेश जी निकलेंगे और स्थापना करके उनका रोज पूजन करना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को जो जगत के पालनहार हैं, प्रातर स्मरामि भव भीति महार्थ शांति नारायणम गरुण वाहन जनाभम ग्राहाभिभूति वर वारण मुक्ति हेतु चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। सबसे ज्यादा इनका मुख्य आहार तो अहंकार है, ये अपने भक्तों के अहंकार को खाते हैं। तो आप भी अगर इनके भक्त हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को इनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपनी अहंग भावना, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मेरा है, मेरी है, ये जो भावना है सबसे पहले ये भगवान विष्णु को निवेदित करिए, तब आपका खीर और सूजी का हलवा ये पसंद करेंगे। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि ये सब मैंने व्यवस्था की है, ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, तब तक भगवान आपके प्रसाद की तरफ देखना तो दूर थूकेंगे भी नहीं। 56 प्रकार का पकवान बनवा करके दुर्योधन भगवान कृष्ण को अहंकार में आमंत्रित कर रहा था कि ये सब खा लीजिए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के मेवे पर थूक दिया और जाकर के विदुर की पत्नी के हाथ से केले का छिलका खा लिया। विदुर की पत्नी ने सुना कि आ रहे हैं भगवान कृष्ण, नहा रही थी, कपड़े का भी ध्यान नहीं था, अस्त व्यस्त वस्त्र था। पति ने कहा कि अरे कपड़े तो पहन लो ठीक से, कृष्ण के सामने जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि उनके सामने तो जगत नंगा है, उनके सामने बहुत कपड़ा पहनने की क्या ज़रूरत है, क्या दुनिया में उनसे छिपा है। और जा करके वो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि केले का छिलका भगवान के मुंह में डाल के वो केला उठा के बाहर फेंक रही थी। भगवान ने नहीं कहा क्या खिला रही, वो खाते चले गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रभु श्री राम सबरी के बैर इतने प्रेम से खाए कि जैसे उन्होंने कभी बैर देखी ही नहीं हो। और जबकि सबरी चीख चीख करके बैर उनको खिला रही थी। तो भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही हैं, हमारी भावना का वो सम्मान करते हैं। इसलिए भैया भगवान विष्णु की उपासना करना हो तो आप पहले अहंकार को तिलांजलि दीजिए। अहंकार में चढ़ाया गया प्रसाद, मैं मेरी की भावना से चढ़ाया गया प्रसाद कभी वो स्वीकार नहीं करते हैं। खीर में तुलसी का पत्ता डालना मत भूलिएगा, केसर भी डालिए तो और अच्छा होगा। और हर रविवार गुरुवार को विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर जा करके खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवान इन सब वस्तुओं से पूरी धरती का पालन पोषण करते हैं, तो वो हमारे थोड़े से हलवे से, थोड़ी किसी खीर से संतुष्ट और असंतुष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सुदामा एक दाने चावल का भोग लगाते थे। सुदामा के पास जब खाने का नहीं होता था तो एक दाना चावल रख करके पत्ते पर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते थे, तो वहाँ कृष्ण जो रुक्मिणी के साथ ऐसे करते थे, डकार मारते थे, तो रुक्मिणी पूछती थी अरे प्रभु ये क्या। बोले सुदामा ने भोग लगाया, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है संसाधन, उसी का भोग लगाइए। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। और कुछ लोग मिलते हैं, आज गए थे
वृंदावन 56 भोग करवा के आए हैं। अरे क्यों बताते हो सब, कुछ चीज़ें गोपनीय भी तो रखो। 56 प्रकार का भोग लगवाए हो तो क्यों लगवाए हो तो बताने की क्या जरूरत है, इससे पुण्य कम हो जाता है। जो भी अच्छा कार्य करिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मत करिए, आप भगवान के लिए करते हो ना, इंसान को दिखाने के लिए थोड़ी करते हो। तो इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सारे संकटों का समाधान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अहंकार का त्याग होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको किस देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनको कुछ खास भोग क्या लगाना चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी, कैसे प्रसन्न करें भगवान को, क्या भोग लगाएं? देखो ऐसा है, पूजा देवी भागवत के तीसरे स्कंध में 27वें अध्याय में एक वर्णन आता है जी। जो व्यक्ति देवी के नवरात्र का व्रत नहीं करता है, 9 दिनों तक भगवती की आराधना नहीं करता है, कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं करता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, देवियों के दर्शन पूजन में समय नहीं लगाता है, वो अगले जन्म में दरिद्र होकर पैदा होता है और नाना प्रकार के दुखों से और अभाव से ग्रसित होकर के हर समय दुख और पीड़ा में जीवन व्यतीत करता है। और जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, देवी देवताओं की ठीक ढंग से उपासना करते हैं, दुर्गा के पाठ करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो अगले जन्म में सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, उनकी अच्छी परवरिश होती है और वो बहुत सुखपूर्वक जीवन, आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति भी होती है जी। वो नरकादि लोकों में नहीं जाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भैया आप सनातन धर्म में पैदा हुए हो, ये बड़े गर्व की बात है। अगर आप रोगी नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपका डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचे नीचे नहीं होता है, तो अगर आपकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है तो आपको नवरात्र के 9 दिनों के व्रत करने चाहिए और 9 दिनों के व्रत करके आपको महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, रोज़ श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करने चाहिए। पैसा खर्च हो जाता है, आमदनी बढ़ती नहीं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनको उनका पसंदीदा भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। अब हम आपको एक मानस पूजा का श्लोक बताते हैं जो देवी को नैवेद्य के रूप में शंकराचार्य ने लिखा है, वो श्लोक बताते हैं। आप अपनी दुर्गा सप्तशती देखिएगा, उसमें ये श्लोक पढ़िएगा। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितय व्यंजनय पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुर कामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। इसका अर्थ ये होता है कि एक सोने की थाली में बासमती चावल को घी और जीरे से छौंक करके सुगंधित बना दिया गया है और एक सोने की कटोरी में दही रखा हुआ है, एक सोने की कटोरी में खीर रखी हुई है, एक सोने की कटोरी में कढ़ी रखी हुई है और एक सोने की कटोरी में शहद रखा हुआ है और एक सोने का चम्मच है। इतनी चीज़ें आप अपने दोनों हाथों में लेकर के आँख बंद करके सामने कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी को देखते हुए उनके सामने आप इसको रखिए मानसिक रूप से, और एक चांदी के गिलास में पानी भी मानसिक रूप से रखिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, ये देवताओं की पत्नियों द्वारा बनाया हुआ नैवेद्य है, इसको माँ स्वीकार कर लो। अगर आप मानस पूजा में रोज इस तरह से भोग लगाना शुरू कर दें तो 6 महीने के बाद वो समय दूर नहीं होगा
जब आपके ऊपर संपूर्ण महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी और प्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी को केसर वाले चावल, खीर और पीली मिठाइयाँ ये आप समर्पित करिए। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए 11 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए, केसर वाली खीर का भोग लगाइए, माँ दुर्गा को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली। पूरन पोली क्या है? अगर आप कभी कोल्हापुर, बम्बई कहीं जाएंगे और आप किसी रेस्टोरेंट में भी पूरन पोली का आर्डर देंगे तो वहाँ एक मीठी टाइप की रोटी बनती है जिसको पूरन पोली कहते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। केला, नारियल और मिठाई ये बहुत पसंद है, इससे मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्र में माँ दुर्गा को खीर, केला और नारियल का भी भोग लगाया जाता है। धन लाभ पाने और कष्टों को दूर करने के लिए बुधवार शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को मीठे हलवे का भी भोग लगाना चाहिए। लेकिन सबसे सुपर वाला भोग क्या है? जब आप मानसिक रूप से सोने की थाली में बासमती चावल को घी और जीरे से छौंक कर एक सोने की कटोरी में शहद, एक सोने की कटोरी में दही, एक सोने की कटोरी में कढ़ी और एक सोने की कटोरी में घी ये रख करके अगर आप उन्हें नैवेद्य के रूप में निवेदित करेंगे तो शायद ये आपकी सुपर से ऊपर पूजा मानी जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हम भगवान को भोग लगाने की बात कर रहे हैं, जब हमने भोग लगा दिया क्या उसके बाद उस भोग को, उस प्रसाद को परिवार के सदस्य को ही ग्रहण कर लेना चाहिए? करना ही चाहिए बेटा, वो भोग प्रसाद अमृत हो जाता है। उसका एक कण भी किसी के मुंह में जाएगा तो वो मतलब कि अमृत को प्राप्त होगा, उसके सारे रोग और शोक नष्ट हो जाएंगे। तुम जानती हो भगवान सत्यनारायण की जब कथा होती है तो सत्यनारायण की जो शालिग्राम की शिला होती है उसे पंचामृत में डुबो करके धोया जाता है और बाद में वही चरणामृत लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। कहते हैं कि उस चरणामृत को एक बार पान कर लेने के बाद किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस चरणामृत का पान कर लेने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस पर बहुत कथाएँ हैं लेकिन कार्यक्रम के समय को देखते हुए मैं वो कथा नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भगवान शालिग्राम के स्नान किए हुए चरणामृत का पान करने से कभी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसी तरह से माँ दुर्गा के प्रसाद को खाने वाला व्यक्ति कभी 7 जन्मों तक दरिद्री नहीं होता है, कभी वो विपन्न नहीं होता है, हर समय संपन्न ही रहता है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब शनि को शांत करना है तो शनिदेव को उनका पसंदीदा भोग लगाना बेहद जरूरी होगा, लेकिन ये भोग किस समय और किस विधि के साथ लगाएं, चलिए ये जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, शनि को शांत करना तो बेहद जरूरी है, उन्हें क्या पसंद है, क्या भोग लगाएं? शनिदेव शांत रहते ही हैं। आप कुकर्म करें, पाप करें, अत्याचार करें, अनाचार करें, दुराचार करें तो सारा रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके हिसाब से वो पनिशमेंट देते हैं। अगर आपको भी एसिडिटी है, अर्थराइटिस है, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या शनि की ढैया और 7.5 चल रही है, या महादशा चल रही है और सिर्फ आपको अगर नुकसान झेलना पड़ रहा है तो परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव को खास भोग लगाना चाहिए। शनिदेव को उड़द की दाल, काले तिल, खिचड़ी ये बहुत पसंद है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो तो शनिवार को संध्या के समय शनि मंदिर में उड़द के दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं, उसमें काला नमक डालें जिसको सोचर भी कहते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और छाता दान करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपका दुख कम होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पटना बिहार के रहने वाले पंकज कुमार दास। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, मैं आपको इनकी डिटेल्स बता दूं। इनका नाम है पंकज कुमार दास, डेट ऑफ बर्थ है इनकी पंडित जी 30/8/1983 और इनका समय है जन्म का शाम के 5:10 और जन्म स्थान है इनका बिहार का पटना। सवाल इनका है कि इनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं पंडित जी, दिन रात कलेश हो रहा है, मैरिड लाइफ इनकी कैसी रहेगी, इसके पीछे ये कारण भी बता रहे हैं। इनकी शादी 29 नवंबर 2021 को फिक्स हुई थी
और 30 नवंबर 2021 को शादी की रस्में स्टार्ट हुई थी और ठीक 30 साल पहले इनके दादाजी की डेथ भी 30 नवंबर को हुई थी। तो क्या ये सोच रहे हैं कि क्या उस दिन शादी होने से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही? देखो ऐसा है, आपने जो इनका डिटेल नोट कराया है, पंकज कुमार दास 30 अगस्त 1983 5:10 पटना बिहार में इनका जन्म हुआ। देखो आदमी जब उसके जिंदगी में कुछ खराब होता है तो अपने भाग्य को नहीं कोसता है, कहीं ना कहीं उसका लिंक दूसरी जगह ढूंढता है। बिल्कुल, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा कोई दूसरी जगह से मुझे परेशान किया जा रहा है। उसी तरह से ये पंकज कुमार दास, इनकी कुंडली में लग्नेश शनि है और सप्तमेश चंद्रमा है, दोनों का सदाष्टक योग है, छठा आठवां संबंध है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी रहता ही नहीं है, ऐसे लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, एक से अधिक शादियाँ होती हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, ये कुंडली कह रही है। इसमें ग्रैंडफादर बेचारे का मृतक का दिन कहाँ से आ गया? बिल्कुल, उसका कोई दोष नहीं है। अरे आप अपनी कुंडली को किसी से दिखा लीजिए, चंद्रमा और शनि का सदाष्टक योग है, इस योग में वैवाहिक जीवन चलता कहाँ है, रिश्ते चलते कहाँ हैं? क्योंकि आपका लग्नेश शनि है और सप्तमेश चंद्रमा है, आप पति पत्नी का उत्पीड़न करते हैं, पत्नी को मानसिक कष्ट देते हैं, तो पत्नी कैसे रहेगी साथ में? और चंद्रमा के साथ राहु है, पत्नी थोड़ी मानसिक रूप से डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये सारी स्थितियाँ हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो जाए तो पति पत्नी दोनों मिल करके रुद्राभिषेक हर महीने करिए, किसी शिव मंदिर में जा करके 1 साल लगातार रुद्राभिषेक करिए, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक आपके दादाजी के मरने की तिथि की बात है और उस पर विवाह की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस विषय में आपको बेकार में मतलब कि आरोप लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। है कर्ज मुक्ति के सबसे सरल उपाय, पंडित जी बताइए कर्ज से छुटकारा क्या सरल उपाय इसके लिए? कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लाल मसूर का दान मंगलवार को करना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। हनुमान जी के श्री चरणों में मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप लगाना चाहिए। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदस्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोध कह लोहितो लोहितास्यैव सामगानां कृपा कर एतानि कुजनामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं आप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। यही ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, इतना छोटा है, मैंने आधे मिनट में पढ़ा, आप 1 मिनट में पढ़ लीजिएगा। इसका 7 बार जो लोग सुबह शाम पाठ करते हैं उनके ऊपर चाहे जितना कर्ज हो जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। EMI से जल्दी राहत पाने के लिए हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबाल कर उसमें घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। 17 बुधवार ये उपाय करने पर कर्ज उतरने का रास्ता मिल जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा यह विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।